तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, श्रम पदाधिकारी भर्ती परीक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 24 जून 2023 को आपका एग्ज़ाम्स हुआ, दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक। क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन जो है दिए गए थे, कुछ चैप्टर का बस थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो आखिरकार लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो है कितने नंबर, कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा, जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स में कट ऑफ का जो है क्राइटेरिया कितना होने वाला है, कितने नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और जो है सीजी लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आखिरकार जो है कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, सभी जानकारी इसको इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। कुछ ही दिनों में जो है मॉडल आंसर जारी हो जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट जारी हो जाएंगे, और जिनका नंबर अच्छे से आएगा उन्हीं का सिलेक्शन जो है हो पाएगा और वही स्टूडेंट ही लेबर इंस्पेक्टर जो है बन पाएंगे। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की कि कितने नंबर में आपका सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का, तो 150 प्रश्न जो 150 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो 150 में से कम जो है 120 से जो है 125 नंबर वाले स्टूडेंट का जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, वहीं ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो है आपका जो है 110 से जो है 115 नंबर, इतना नंबर कम से कम आपका होना चाहिए। वही एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो 105 से जो है 110 नंबर आपका होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो 100 से जो है 105 नंबर, अगर इतना मार्क्स से अगर इतना नंबर आपका आ रहा है मतलब कि आपका सिलेक्शन जो है डिफिकल्ट है, आपका सिलेक्शन इसमें जो है आसानी से जो है हो पाएगा, और ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीजी लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का कट ऑफ कुछ इसी तरह से होने वाला है, जो कि मैंने कट ऑफ आपको बता दिया। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है, तो मतलब आप जो है सेफ जोन पे हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और जिनका अगर इतना नंबर नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं आ रहा, उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट बार जो है और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, और अच्छे से हार्डवर्क कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेहनत के ऊपर। अगर फेलियर मिल रहा है तो फेलियर से कुछ सीखे, ये मत सोचिए कि यार मुझे फेलियर मिल रहा, आप कुछ नया करने की फिर से कोशिश कीजिए। इस बार 50% मेहनत किया तो अगले बार 100% मेहनत कीजिए, तो ही सिलेक्शंस ले पाएंगे। सो वीडियो से अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए, उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसी तरह से नए नए वीडियोज़ मेरे चैनल्स पर जो है मिलते रहेंगे। बस जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करते रहना। धन्यवाद।